आज वार्ड क्रमांक 15 के निवासियों ने पार्षद तेज सिंह राठौड़ के साथ नगरपालिका के सामने धरना दिया। वार्ड वासियों का कहना है कि काफी समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वार्ड में छोटा कार्य भी नहीं किया जा रहा है, जिससे वार्ड वासियों में रोष है। काफी समय से अधूरा कार्य पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर वार्ड क्रमांक 15 के रहवासी बड़ी संख्या में नगरपालिका पहुंचे। उनके साथ वार्ड पार्षद तेज सिंह राठौड़ मौजूद थे। वार्ड वासियों ने CMO से मांग की कि जल्द से जल्द उनके वार्ड में जो समस्याएं हैं उनका हल किया जाए। CMO राजेश सक्सेना ने समस्त वार्ड वासियों को समझाया कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तब आपके वार्ड का काम करवा दिया जाएगा। भारतीय न्यूज के लिए मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। श्रीमान जी, मैं जब से पार्षद बना हूँ श्री गणेश में, माननीय हमारे जो ईसाई सब इंजीनियर महोदय हैं दुर्वे जी, और ये इनसे मैंने श्री गणेश में एक ही निवेदन किया था अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार। तो मैंने वो रोड और नाली है वहाँ पे ज़्यादा ऐसा कोई 15-20 लाख रुपए का काम नहीं है, मुश्किल से इवन होगा 2 या 3 लाख रुपए का। उसको घुमाते घुमाते आज 15 महीने हो गए मुझे, और मैं बार बार आज सुबह भी मैंने निवेदन करा CMO आपसे, तो उनने बोला कि बोले करेंगे। उनको फ़ोन लगाया तो बोला अभी हम सो रहे हैं, तो ये चीज़ बोली। अभी हमारे पास CMO साहब आए, इनने हमें आश्वासन दिया है कि आपका आचार संहिता खत्म होने के दूसरे दिन ही हम काम लगा देंगे। हम उनकी बात का विश्वास करते हैं, और नहीं तो जो अगर काम नहीं होता तो फिर आगे जो जनता चाहेगी वो मैं साथ में हूँ और करने के लिए तैयार है हम। आज ये वार्ड 15 के नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर आए थे, क्या समस्याएं थी? वार्ड नंबर में 15 में कुछ गली नंबर 6 में नाली और CC रोड का विभाग के लिए आज नगर पालिका कार्यालय के सामने हमारे क्षेत्रीय पार्षद जी के साथ नगरवासी आए हैं, और मैंने इनको चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद शीघ्र इस काम को कराने का आश्वासन दिया है। और अभी जो ज़्यादा जटिल होने के उपरांत ही ये लोग यहाँ आए हैं, तो इसको हम आचार संहिता के बाद तुरंत निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद तेज सिंह राठौर का आरोप है कि पिछले 1.5 साल से उनके वार्ड में एक मामूली सा निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। फिलहाल CMO राजेश सक्सेना सभी वार्ड वासियों को समझा के वापस भेज दिया है, एवं इस बात का वादा किया है कि आचार संहिता हटने के बाद वह निर्माण कार्य करा दिया जाएगा। मोहम्मद सादिक, भारतीय न्यूज, आष्टा। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।